हेलो प्लेयर्स, वेलकम टू द मास्टर ऑफ प्लेयर्स गेमिंग यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों को शायद से गेम ओपन नहीं कर पा रहे हो, सो इसका मतलब ये नहीं कि आप गेम से बैन हो गए हो या आपको गेम से सस्पेंड कर दिया गया है, ऐसी कोई बात है नहीं। सो कृपया करके कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या कोई भी थर्ड पार्टी फाइल अपने गेम के फाइल के अंदर मत घुसाइएगा, या फिर कुछ भी रिसर्च करके खुद को साइंटिस्ट प्रमाणित मत कीजिएगा। सो इस यहाँ पर जो गेम ओपन ना होने की वजह है वो है परचेस 3 वायलेशन नोटिस नाम का छोटा सा अपडेट आया है, जहां आप लोगों को बहुत ही छोटे बड़े चीज़ आप चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। और यहां पर नए चीज़ के साथ आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है नए कैरेक्टर, नए पेट और न्यू वेपन। और साथ में उन लोगों को वार्न भी किया है जो लोग शायद अब से इस अपडेट के बाद हो सकता है बैंड। तो चलिए जानते हैं इस 3 अपडेट की फुल डिटेल में क्या क्या अपडेट दिया गया है। तो सबसे पहले अपडेट है क्लैश स्क्वाड मोड के ऊपर। क्लैश स्क्वाड मोड में आ रहा है सीजन 2, यानी कि पिछले सीजन 1 था तो अभी होने वाला चेंज, अभी आने वाला सीजन 2। और आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा अभी G18 गन की स्किन, जहां आप लोगों को सीजन 1 में डिजिट ईगल गन की स्किन देखने के लिए मिला था जो कि गोल्ड 3 रैंक हासिल करने पर। तो यहां पर सेम गोल्ड 3 रैंक हासिल करने पर आप लोगों को मिलेगा G18 गन की स्किन। और साथ में क्लैश स्क्वाड स्टोर में कुछ एडजस्टमेंट किया गया है, जहां आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा शायद से उस क्लैश स्क्वाड मोड में जो स्टोर हुआ करता था, जहां से आप गन वगैरह ग्लोबल खरीदते थे, यहां के प्राइस थोड़ा अप डाउन की हो सकता है, ये देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। सो नेक्स्ट वाले जो आइटम आया है, सो इस आइटम का नाम है हराइजनल नाम का, जो कि एक रिवाइव किट है। अब ये जो है क्लैश स्क्वाड मोड में हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। इसका वर्क जो है, जबकि हम लोग नॉक हो जाते हैं जबकि हम अनजान प्लेयर के साथ खेलते हैं, तो बहुत बार जो है रिवाइव नहीं मिलता है। तो अगर स्क्वाड में और कोई भी प्लेयर नॉक होता है तो आप या मैं खुद सेल्फ रिवाइव कर सकते हैं इस रिवाइव किट के माध्यम से। अभी नेक्स्ट वाले जो अपडेट है ने एम असिस्ट के ऊपर, एम असिस्ट में होता था कि अगर कोई भी प्लेयर नॉक कर देते थे उसके साइड से, अगर कोई हम लोगों को फायर करता था तो पहले एम जो कि नॉक बंदे के ऊपर ही लगता था, जहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिलता था। अभी फिलहाल एम एसिस्ट पे हो गया चेंज, मतलब अपडेट लेके आ गया है। तो यहाँ पर अगर कोई भी प्लेयर नॉक है तो उसके ऊपर नहीं, जो प्लेयर फायरिंग कर रहा है उसके ऊपर डायरेक्टली जो कि है एम चला जाएगा, जहाँ पर हम लोग वो प्रॉब्लम फेस करने के लिए नहीं होगा। फिलहाल ये दोनों ही क्लैश स्क्वाड मोड में अवेलेबल है, अभी रैंक या क्लासिक पे अभी तो फिलहाल के लिए अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आता है गेम प्ले के ऊपर अपडेट, जहां पर आप लोगों को रनवे चेंजेस देखने के लिए मिलेगा, जहां आप लोग 30 सेकेंड के लिए रुक जाते थे, जहां पर दौड़ते थे भागते थे, जो कि रनवे के नाम से जाना जाता था, वो चेंजेस के लिए टोटली मिल जाएगा आप लोगों को। और नेक्स्ट वाला जो अपडेट है क्राउच एंड अनक्राउच के मैकेनिज्म के ऊपर, ये वाले अपडेट में ये बताया गया है कि अगर आप बैठ के आउट के तुरंत ही हेड लगाने की कोशिश करते हो तो 90% तक आपका हेड जो है एम असिस्ट हो जाता था और आपके हेड पे गोली भी लग जाता था। तो यहाँ पर आप लोगों को वो देखने के लिए नहीं मिलेगा अब से इस अपडेट के बाद। 0.85 सेकंड के अंदर अगर कोई भी प्लेयर ऐसे फायरिंग करता है बैठ के उठ के और फायरिंग, तो यहाँ पर हेड पे भी गोली लगेगा, तो आपको बॉडी शॉट की तरह ही डैमेज जो कि है मिलेगा, जो कि बहुत बेहतरीन बात है, जो कि एक ऑटो हेड शॉट के जो ट्रिक्स थे वो कम हो गया है। अब ये नेक्स्ट वाला जो अपडेट है व्हीकल्स के ऊपर अपडेट है, तो जैसे कि देख सकते हैं व्हीकल्स के ऊपर अपडेट के सबकी स्पीड जो कि इंक्रीज किया है, जैसे कि देख सकते हैं पहले कितना था और अभी कितना है, जो कि स्क्रीन पे आप लोगों को शायद से देखने के लिए मिल रहा होगा। सो अभी नेक्स्ट वाला जो अपडेट है आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा, और साथ में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा ड्राइविंग एक्सपीरियंस पे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन। मतलब ड्राइविंग जब आप करोगे तो पहले लगता था कि यार कैसे चल रहा है, गाड़ी चल रहा है कि नहीं, तो ऐसे करके थोड़ा डिग डिग करके चल रहा था, पर अभी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, जबकि चलाने के बाद आप लोगों को शायद से लग सकता है कि आप रियल लाइफ पे ड्राइविंग कर रहे हो। उसके बाद आप लोगों को जो मीटर स्पीड है वो भी चेंजेस देखने के लिए मिलेगा, मतलब यहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ा एडजस्टमेंट देखने के लिए मिलेगा इस व्हीकल्स के ऊपर। अब आता है नेक्स्ट वाले अपडेट जो कि है ग्लाइडर के ऊपर। ग्लाइडर में बहुत सारे प्लेयर के जो कि 38 मीटर से ज़्यादा से, मतलब कूद के जो कि आप ग्लाइडर ओपन कर लेते थे, पर आपसे ये नहीं होगा, थोड़ा ऊंचे से जो कि जंप करना होगा। दूसरी बात जो है शायद से ग्लाइडर पे कोई भी टूल या इक्विपमेंट जो कि है यूज़ करने के लिए देखने के लिए मिल सकता है। सो अभी वाले जो नेक्स्ट अपडेट है हेल्थ रीजनरेशन के ऊपर, जो हेल्थ रीजनरेशन भाई क्या है कि आप जो मेडिकेट ऑलोक या जिससे अपना हेल्थ जो है इंक्रीज होता है, जैसे लाइक बॉनफायर, तो क्या है कि लास्ट जोन पर भी बहुत सारे प्लेयर जो कि एक साथ में लोग चला
थे, बैरिकेड कर लेते और महल थे जो लिए जो कि बॉनफायर यूज कर लेते, जो कि लास्ट जोन को भी ये लोग सर्वाइव कर लेते थे। तो यहाँ पर एक अपडेट दिया गया है कि पर सेकंड के अंदर अब सेल्फ और सेल्फ 50 हेल्थ ही बढ़ा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो, जिससे आपका फुल हेल्थ होने के लिए 4 सेकंड लिया जाएगा, शायद से वो लास्ट जोन तक नहीं दिख पाएगा। तो ये कि बहुत ही अच्छे अपडेट है। और अभी जो मेन वाई जिसके लिए बैठे हुए थे, तो जो वेपन और के अपडेट, वेपन अपडेट यार। सो गाइज अभी आने वाला है कि भाई वेपन अपडेट्स के ऊपर। अब भाई वेपन अपडेट से सबसे पहला जो न्यू गन्स इस अपडेट के बाद आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, उसका नाम है AUG यानी कि ऑग। सो यहाँ पर इसका डैमेज जो है 31 दिया गया है डैमेज रेंज, और इसका मैगजीन जो है 35 यानी कि गोलियाँ 35 आप लोगों को देखने के मिलेगा, और इसका रेट ऑफ फायर जो है कि है 147। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑलवेज इस गन के अंदर 2 स्कोप जो कि लगा हुआ देखने के लिए मिल जाएगा, और चाहे तो आप इसका स्कोप जो कि चेंज कर सकते हो। सो एज लाइक थम्सन के साथ कह सकते हो कि थम्सन के भाई अपडेट भाषा नहीं यार वो गन के। सो चलिए नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, अभी आता है एक एक गन के ऊपर, एक एक गन। तो पहले जो एक एक गन के ऊपर जो अपडेट किया गया है, शायद से बहुत ही धासो किया गया है। यहाँ पर एक एक गन की डैमेज जो कि है मिनिमम डैमेज जो बढ़ाया है 12 से 14 तक, और यहाँ पर डैमेज रेडियो जो है 37 से कर दिया है 38। तो शायद से गन की स्किन लेने वालों को थोड़ा ज़्यादा डैमेज देखने के लिए मिलेगा, पर यहाँ पर एक बहुत ही मेजर चीज़ जो कि है घटाया गया है वो है रेट ऑफ फायर भाई, 3% तक रेट ऑफ फायर जो कि है घटाया गया है। और यहाँ पर प्रिसन स्कॉट जो है 1 से 2 किया गया है। प्रिसन स्कॉट क्या है कि आप लोग अगर कभी भी गोलियाँ चलाते थे तो पहली गोली जो कि एम पे लगता था, बाकी सब गोली जो कि रिकॉल शुरू हो जाता था सेकेंड गोली से। तो अभी ये इसका जो है 2 गोली अभी एम पे जाएगा और बाकी जो है रिकॉल तब से शुरू हो जाएगा। सो ये भी बहुत अच्छी अपडेट है। तो आपसे शायद एक ही गन एक लेजेंडरी गनों में होगा, तो पहले से था अब भी होने वाला है, मतलब इसका टॉप एयरमो गन में इसका नाम हमेशा रहेगा। अब यहाँ पर इन लोगों फार्मर्स गन के ऊपर भी एक मेजर अपडेट लेके आया है कि फार्मर से जबकि आप पहले शूट करते थे तो जाकर आप लोगों 3 गोलियाँ धगा धाक मिलता था, तो यहाँ पर अब अगर आप फार्मर्स गन यूज करते हो, मतलब फार्मर गन से फायर कर रहे हो, तो तभी आपका मूवमेंट जो स्पीड होगा, मतलब जॉयस्टिक से जो मूवमेंट स्पीड होता वो 10% अदर गन के मामले में इंक्रीज होगा, मतलब 10% जो कि अदर गन्स के मामले में फास्ट मूवमेंट कर सकते हो, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है और फार्मर्स यूजर के लिए तो ये बहुत ही कतई बात हो गया। तो अभी गन वाले में सबसे अच्छे और खास गन था जो कि लौता एक गन है जो कि 100 AR से मिलता है। यहाँ पर कोई भी इक्विपमेंट्स या फिर कुछ मंजिल वगैरह जो कि यूज़ नहीं किया जा सकता, वो है M249। तो इस गन का जो कि अभी तक मतलब इस दिनों में कोई यूज़ ही नहीं करता, क्योंकि उसका जो है पता नहीं क्यों पर यूज़ नहीं करता। तो यहाँ पर इन लोगों ने इसके यूज़ करने के लिए यहाँ पर मेजर जो कि अपडेट लेके आया है। तो यहाँ पर आप लोगों को देख लो प्रीस एंड स्कॉट जो है वो 4 से लेके 12 तक जो कि बढ़ा दिया गया है। तो 12 तक बढ़ा दिया गया है, मतलब उसका जो पहला 12 गोली है जो कि एक्यूरेसी सही रहेगा, उसका एक्यूरेट एकदम एम पे जाएगा 12 गोली। तो आप समझ सकते हो कि 4 से लेके 12 यानी कि मतलब क्या यार कतई 3 गुन यहाँ पर इंक्रीज किया है। और यहाँ पर मैक्सिमम जो डैमेज था, मतलब जब एनिमी सबसे दूर रहता था और चलते हुए मारते थे आप लोग, तो जो मिनिमम जो डैमेज होता था जो कि 15 करके दिया जा रहा था, तो अभी उसका डैमेज जो कि है इंक्रीज किया है, जिसका डैमेज आप लोग को देखने के लिए मिलेगा 21 तक आप लोगों को डैमेज देखने के लिए मिलेगा, जो कि कतई बंदूक होने वाला है, मतलब गन्स होने वाला है। और यहाँ पर आप लोगों को मतलब मैक्सिमम रिकॉल के मामले में तो सब गन मतलब बड़े बड़े अच्छे अच्छे गन भी फेल हो जाते हैं, तो यहाँ पर रिकॉल जो कि है 80% तक घटा दिया गया है। मतलब आप समझ सकते हो कोई भी 4 लेवल का वेस्ट भी अगर होगा तो शायद से वो इसके सामने ढेर हो सकता है। सो ये गन ओपी लेवल का गन होने वाला है, शायद से ये टॉप ईयर वो गन में भी आ सकता है। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट गन के बारे में। तो नेक्स्ट गन जो है स्पर्स 12 के ऊपर, स्पर्स 12 जो कि बहुत लोगों ने ये यूज़ करना छोड़ ही दिया था जब से M1887 गन आया था, मतलब और सेकेंड वाला जो गन है M1014, तो स्पर्स 12 तो कोई यूज़ ही नहीं करता। तो यहाँ पर इन लोगों के स्पर्स के डैमेज जो है वो इंक्रीज किया है, स्पर्स के डैमेज अभी आप लोगों को पार गोली के साथ देखने के लिए मिलेगा, मतलब छोटे छोटे जो डैमेज होके यहाँ पर एक गोली अगर सही से डैमेज देते हो तो 7 करके हिसाब करो यार कितना मिल सकता है। सो अभी नेक्स्ट वाले जो गन है, तो अभी आते हैं हमारे सबसे पसंदीदा गन्स या हम लोगों में सबसे चाहिदा गन जो कि XM8 के ऊपर एक बहुत ही चीज़ जो कि इन लोगों ने घटा दिया गया है। और यहाँ पर XM8 बिना लेजेंडरी गन के स्किन में सिर्फ नॉर्मली गन जो डबल डेट ऑफ फायर गन के स्किन में भी बहुत प्लेयर जो कि ओपी लेवल के गेम प्ले या प्रदर्शन कर रहे थे। तो यहाँ पर इसके XM8 की जो कि है एक्यूरेसी पीस ऑन स्कोप जो कि है घटा दिया गया है, आप लोग इसकी एक्यूरेसी अभी से कम देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत शायद से रिकॉल होने वाला है। अभी बात करने वाले गेम मोड के ऊपर, तो सबसे पहला जो TDM मोड था जहाँ पर आप लोगों को शायद से कुछ 4 ही चीज़ मतलब 4 ही वेपन दिया जाता था कि अगर 4 वेपन यहाँ पर से कोई भी सिलेक्ट कर लो, तो यहाँ पर ये एडजस्टमेंट जो कि चेंज करके दिया गया है
बिल्कुल क्लास स्क्वाड की तरह आप कोई भी वेपन जो कि बाय कर सकते हो, यहाँ पर कोई संदेह नहीं है। और दूसरी जो मोड है वहाँ पर दिया गया बिग हेड मोड के ऊपर। तो यहाँ पर बिग हेड मोड में ये बताया गया है कि आप लोग जब से वो जो ऑटो रिवाइव होते थे, मतलब ऑटो रिवाइव की जो टाइम था वो सबसे फास्टेस्ट कर दिया है, जहाँ पर आप लोग री बैटल ग्राउंड मतलब बैटल ग्राउंड पर पहुँचने पर आपको ज़्यादा वक्त जो कि है नहीं लगेगा, यहाँ पर आपका वक्त जो कि है इंक्रीज कर दिया है। एक गन किंग मोड के ऊपर जो कि खास कुछ है नहीं, जो कि 4v4 किया सपोर्टेड है या का मुझे कुछ पता नहीं, कुछ खास लगा है कि नहीं आप लोग पढ़ के मतलब बता सकते हैं क्या खास आप लोग लगा। तो यहाँ पर और आते हैं न्यू कैरेक्टर के बारे में। सो सबसे पहला जो कैरेक्टर होने वाला है हमारे लिक्विडा। तो इस एबिलिटी का नाम है हैट्रिक। तो इसका एबिलिटी का नाम तो हैट्रिक है। इसका काम क्या होगा कि आप यहाँ पर कुछ बताया गया है कि ऑप्शन के ऊपर के 8, 12, 16, 35 तक मतलब आपका जो हेल्थ है वो रियल HP जो है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा या फिर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर इसका एबिलिटी में लेवल आपके साथ ये सब धीरे धीरे बढ़ाएगा अपना अप टू 35 तक ये होगा। सो मतलब अप टू 35 तक मतलब ये कहा जा रहा है कि आपको 200 से 35 HP जो है वो एक्स्ट्रा से आप कैरी कर पाओगे, ठीक है, इस कैरेक्टर को लेके अगर खेलेंगे मतलब खेलोगे आप। सो यहाँ पर पहले लेवल के 8 लेवल है, दूसरे लेवल पे 10 है, तीसरे लेवल पे ऐसे करके ग्रो होते जाएंगे आप तो 18 तक है, मतलब मैक्स लेवल पे आपको 18 करके पार शूट के मतलब पार शायद खेल के आप लोग को इतना मतलब HP जो है मिलने वाला है। जो नेक्स्ट वाला कैरेक्टर आने वाला है जो मिस्टर पेट करके मतलब पेट है, तो मिस्टर वायगर करके। तो यहाँ पर ये पेट कमिंग सून है, मतलब इस अपडेट के बाद थोड़ी दिन लगेगा, जैसे कि अगस्त मास में एनिवर्सरी के दिन शायद ये पेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर हायटो की जो लेवल आप भर्सन है मतलब एलिट कैली की तरह, तो वो भी कमिंग सून है देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों शायद एनिवर्सरी में देखने को मिलेगा। और ये पेट का जो स्किल है शायद आप लोगों को पता है, फिर भी नहीं पता तो चलिए बता देते। तो यहाँ पर अगर आप जीरे मतलब शून्य ग्लूवल है आपके पास, कोई भी ग्लूवल नहीं है, तो आप लोगों को एक करके ग्लूवल देगा पहले लेवल पे। दूसरे लेवल पे आप अगर आपके पास एक ग्लूवल है तो यहाँ पर 120 सेकंड के अंदर आपको एक ग्लूवल देगा एक्स्ट्रा से, और उसके बाद 120 सेकंड के अंदर लेवल आप जितना होगा ऐसे करके आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 2 ग्लूवल मिल सकता है। पर अगर मतलब 2 ग्लूवल मिल सकता है 3 लेवल के बाद, 3 लेवल के बाद आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 2 करके ग्लूवल मिलेगा, चाहे मतलब 2 ग्लूवल आपके पास होना चाहिए। 2 ग्लूवल से ज़्यादा होगा तो आप लोगों को एक भी ग्लूवल नहीं मिलेगा, अगर 2 ग्लूवल से 2 ग्लूवल है तब जाके आपको एक ग्लूवल मिलेगा। और यहाँ पर इसका लेवल अप करने से इसका स्पीड जो है मतलब ग्लूवल आने की जो स्पीड होगा वो घटता जाएगा, मतलब पहले 120 ऐसा करके घटता जाएगा। तो ऐसे करके आप लोगों को जो है कि इस पेट का एबिलिटी देखने के लिए मिल सकता है। सो प्लेयर्स ये तो हो गया सब गेम मोड्स कैरेक्टर वगैरह वगैरह, मतलब अभी आता है मेन डिसीजन के ऊपर। यार बहुत ही कतई चेंज लेके आ गया है भाई, तबाही मचा दिया इस इवेंट में सिस्टम अपडेट। सो यार सिस्टम अपडेट यानी कि समझ सकते हो कोई भी छोटे खड़े इशू। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर जो है गिल्ड के ऊपर गिल्ड लीडर के ऊपर जो कि है एक बहुत मेजर चेंज आ गया है, वो है कि अगर कोई भी गिल्ड लीडर 30 दिनों से ज़्यादा या फिर 30 दिन तक ऑनलाइन नहीं आता या फिर ऑन नहीं होता, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली उस गिल्ड के मेंबर के पास जो कि एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आप किसको अपने गिल्ड लीडर अगला चूज करने वाले हो, जिसका वोट उस गिल्ड के अंदर ज़्यादा होगा वो ऑटोमेटिकली जो कि है गिल्ड मतलब लीडर हो जाएगा। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अभी एक गिल्ड लीडर के लिए कितना मतलब ये बन गया है, मतलब क्या है ना कितना मुश्किल हो गया है कि गिल्ड को चलाने के लिए अगर वो अपने दूसरे मतलब जैसे होता है ना दूसरे कोई आईडी पे या फिर होता है कि वो अपने नूबड़ी आईडी को गिल्ड लीडर बना के खुद को ऑफिसर बना के रख दिया है और खुद उस मतलब खुद दूसरे गिल्ड के गुण के आते हैं। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, अगर गिल्ड लीडर होना है तो आप लोग एक्टिव रहना होगा। ये बात आपके लिए बहुत ही स्पेशल हमारे तरफ से एक छोटी सी टिप्स है। यहाँ पर और एक चीज़ बताया गया है कि अगर आप लोग के अंदर मतलब कोई भी अगर वो जो गिल्ड लीडर टेम्परेरी होगा जो कि वोट के माध्यम से, तो अगर जब तक ना नए गिल्ड मतलब जो पुराने गिल्ड लीडर जो कि जब तक ना वापस आ जाए तब तक के लिए वो गिल्ड लीडर ही रहने वाला है, और जब भी वो आ जाए तब कि वो उसका जो पावर है वो ऐसे छू हो जाएगा जिससे उसका पावर जो कि घट जाएगा। तो ये चेंज भी बहुत ही सॉलिड लेके आया है, मतलब सिर्फ गिल्ड जो मेहनत करके अपने खुद का जेब्स नष्ट करके इतने अच्छे से ग्रो किया है उसका गिल्ड लीडर ऐसे कौन चेंज कर सकता है। सो ये भी बहुत ही कतई जहर अपडेट है गिल के ऊपर। सो अभी नेक्स्ट वाले जो अपडेट है, तो यहाँ पर कुछ बग्स एंड फिक्स ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताएगा कि जो पहला नंबर है न्यू मैच समरी पेज फॉर क्लास स्क्वाड एंड गन किंग। तो यहाँ पर यह है कि क्लास स्क्वाड मोड के जो मतलब बैक हो जाते हैं जब भी आप मतलब गेम से निकलने के बाद जो चीज़ दिखाया जाता है अपने पॉइंट वगैरह, तो उसको समरी ऑफ पेज कहते हैं। तो वो चीज़ में थोड़ा ऑप्टिमाइज मतलब थोड़ा कस्टमाइज किया गया है, पता नहीं क्या होने वाला है अभी से। तो अभी नेक्स्ट वाले जो प्लेयर कैन नाउ सेंड सिस्टम जनरेटेड लिंक इनटू इनवाइट फ्रेंड्स टू जॉइन देयर पार्टी। सो गाइस यहाँ पर एक
एक बहुत ही कतई अपडेट है जो कि अपने लिंक के द्वारा अपने कोई भी व्हाट्सएप फ्रेंड को अपनी स्क्वाड में बुला सकते हो। तो यहाँ पर यह हुआ कि अगर आप कोई भी मतलब स्क्वाड बनाते हो तो स्क्वाड के बाद वो एक लिंक का ऑप्शन होगा, यहाँ पर शेयर का ऑप्शन होगा, वहाँ पर शेयर करते हैं आप व्हाट्सएप पे जाके वो लिंक या जो भी हो लिंक जो एक लिंक हो जाएगा जहाँ पर वो आप कहीं पर शेयर कर सकते हो। वो लिंक पर अगर क्लिक करेगा आप स्क्वाड तब अगर है तो डायरेक्टली वो गेम ओपन हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली गेम ओपन हो जाएगा और आपके स्क्वाड में तुरंत ही आ जाएगा। सो कि बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर बताया गया कि ऑप्टिमाइजेशन इन गेम वेपन एचओडी, तो यहाँ पर एचओडी मतलब एचओडी करके एक गेम के जो कि ऑप्टिमाइज किया गया है कि पहले अपने हम लोगों को बैग ओपन करने पे या फिर गन के जो चीज़ दिखाया जाता था वो शायद थोड़ा एनिमेटेड या फिर कुछ अलग से होने वाला है। तो अभी नेक्स्ट वाला जो है द थर्मल स्कोप कैन नाउ सी थॉट स्मोक ग्रेनाइट्स। ओ भाई सब, अभी थर्मल स्कोप जो था हम लोगों को कि जब शाम हो जाता था या फिर रात का टाइम या फिर बारिश के टाइम जो कि बहुत अच्छे से काम आता था, जो आप लोग अगर थर्मल स्कोप की यूज़ करते हो जो ग्रीन वाला स्कोप होता है ना उसको थर्मल स्कोप कहता है, या फिर आप लोगों को अगर दूर से कभी बंदे को तो वो जो उसका बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से जो दिखाया जाता है ना जो येलो येलो कलर का, तो वो दिखाया जाता है, बहुत ही अच्छी स्कोप है। क्योंकि आपसे ग्रेनेड मतलब जो स्मोक होता है ना स्मोक करने के बाद अगर आप थर्मोस्कोप से देखने की कोशिश करते हो तो ऑफ कोर्स यार ऑब्वियसली वो आप लोग देख पाओगे, जो कि एक अच्छा चेंज पहले लेने आना चाहिए था तो अभी आके तो कोई ना, बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी पार्टी इन्विटेशन डिस्प्ले ऑप्टिमाइजेशन, तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप कोई भी मतलब प्लेयर्स को अगर इन्विटेशन भेजते हो मतलब इन्वाइट करने के बाद एक तो सामने पेज में कैसा एक बड़ा वाला पेज आता है, तो यहाँ पर कुछ कस्टमाइज किया गया है इन लोगों ने कि या फिर अपडेट किया है जहाँ पर आप लोग को शायद से कुछ अलग चीज या डिफरेंस ही देखने के लिए मिल सकता है। और दूसरी बात जो है यहाँ पर और एक चीज़ बताया गया है कि अपडेट न्यू कंटेंट इन टू द FF जर्नल, तो यहाँ पर यह बताया गया कि अगर आप कोई भी प्लेयर्स कॉन्टेस्ट मतलब कोई भी प्लेयर अगर नया FF फ्री फायर खोलता है तो यहाँ पर आप अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करने के बाद जो कि चीज़ बताया जाता है कि ये गन्स लो यहाँ पर क्लिक करो वो करो, तो यहाँ पर भी कुछ शायद अलग से ऑप्टिमाइज किया है जहाँ पर आप लोगों को चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। सो अभी नेक्स्ट वाला जो अपडेट है, सो प्लेयर्स अभी जो नेक्स्ट वाला अपडेट है आप लोगों को जैसे कि बता सकते हैं कि क्लोज कम्बाइट मोड इंटरेक्शन वीडियो डिस्प्ले ऑप्टिमाइजेशन, तो मतलब आप लोगों को जो क्लोज कम्बाइट यार जब भी गेम पे क्लोज हो जाते हैं तो या फिर क्लोज हो जाते हैं तो यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा चेंज कर दिया गया है। और अभी बताया गया कि ऑप्टिमाइज्ड द ओवर टाइम डिस्प्ले द TDM मोड, यार TDM मोड जो मैं तो ज़्यादा खेलता नहीं पता नहीं, वो बताया जा रहा है कि TDM मोड के मतलब जबकि ओवर हो जाता है खत्म हो जाता है उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा से टाइम दिया जाएगा जो कि अलग से होने वाला है। सो अभी आता है कि प्रस्टिंग एनिमेशन ऑप्टिमाइजेशन, सो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप लोग जो मतलब जो स्टार्टिंग में जो आप लोग प्लेन से कूदते हो या फिर प्लेन से लैंडिंग करते हो पैराशूट ओपन होता है तो ऐसे टाइम पे जो कि एनिमेशन किया गया है जो शायद सबसे रियल लगने वाला है, बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है। तो अभी आता है कलारी हैज बीन एडेड टू द कस्टम रूम्स, अबे यार कलारी मैच भी क्लासिक कस्टम रूम पर जो कि ऐड कर दिया है, मतलब अब से आप कस्टम रूम पर भी जो कि प्रैक्टिस कर सकते हो अनलिमिटेड ग्लोबल के साथ, अनलिमिटेड लैमो के साथ और अनलिमिटेड भाई सब कुछ के साथ। सो अभी नेक्स्ट वाला जो अपडेट है भाई लास्ट अपडेट, फिक्स्ड अ बग वेयर प्लेयर कैन बी प्रिपरेशन एरिया इन सम मोड बिफोर फ्रीजिंग टाइम इज ओवर। सो यहाँ पर आप लोगों को ये बताया गया कि अगर कुछ कुछ मूड में जो कि आप लोग फ्रीजिंग टाइम यानी कि जो जैसे क्लास कोड मूड में या फिर कहीं पे जो रेड करके कीमती आता था कि आप लोग वो टाइम खत्म होने से पहले गेम ओपन होने से पहले जो टाइम दिया जाता था आप लोगों को फ्रीजिंग टाइम जहाँ पर कहा जाता है या फिर प्रिपरेशन मूड लिया जाता है कौन सी गन क्या क्या करना है आप लोगों को, तो यहाँ पर आप लोग वहाँ से अगर माइनस मतलब बैक हो जाते थे तो पहले माइनस नहीं होता था यार, रैंक पे क्यों माइनस होगा या फिर वो क्या होता, तो अब से जो कि है माइनस होने वाला है। और यहाँ पर आप लोग ये बग ज़्यादा मतलब ये बग्स है मतलब एक ट्रिक्स था, तो यहाँ पर अगर ये ज़्यादा यूज़ करते हो तो शायद से आपका आईडी जो कि सस्पेंड या फिर सस्पेंड नोटिस जो कि देखने के लिए मिल सकता है। सो गाइस आपसे ये तो ध्यान पे रखना होगा, अपना करियरक्रम ध्यान से करना होगा वरना हो सकता है आपका आईडी करियरक्रम के साथ खत्म। सो ये सब भी अपडेट आप जो कि आज के दिन में आने वाला है, और इनमें से सिर्फ दो ही अपडेट जो मिस्टर वर्गर और मिस्टर जो एलिट कली की तरह एलिट हाइट हो और दोनों कमिंग सून है, बाकी सारे के सारे अपडेट जो कि आज के दिन में अपडेट के बाद देखने के लिए मिल सकता है। सो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और कौन से अपडेट सबसे धांसू लगा, कौन से अपडेट सबसे खराब लगा, कौन से अपडेट के लिए आप ज़्यादा अच्छे नहीं हो या कुछ भी नहीं हो, तो वो सारे के सारे चीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हम लोगों को। और अगर कोई भी डाउट्स आता है तो जरूर यार क्लियर करने के लिए हमें ना कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। आज के लिए इतना फेम लगा तो नई वीडियो बताओ तक के लिए बी विथ यू एवरी टाइम।